कचरा प्रबंधन की समस्या केवल शहरों में ही नहीं कई ग्राम पंचायतों में भी है। कचरे के बढ़ते ढेर से लोग परेशान हैं, वहीं कचरे से निजात दिलाने के ग्राम पंचायत सरसी में स्वच्छता को लेकर काफी निरंतर अर्थक प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं शासन की ओर से कचरा गाड़ी भी सरसी ग्राम पंचायत को प्राप्त हुई है। वहीं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज चैनल के संवाददाता ने जब सरपंच प्रतिनिधि राजेश चतर से बात की तो उन्होंने बताया कि सरसी में 100 यूनिट की गौशाला का भी कार्य चल रहा है, लेकिन वहां पर जाने का मार्ग सही नहीं है, इसलिए कार्य में रुकावट आई है। वहीं उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत अभी पाइपलाइन का भी टेंडर हो चुका है एवं टंकी का भी ठेका हो चुका है, जिसका कार्य जल्द ही प्रारंभ हो जाएगा, जिससे पूरे गाँव में स्वच्छ पानी ग्रामीणों को मिलेगा। सरसी में स्वच्छ भारत अभियान के लिए कचरा सेट बन के तैयार हो गया है और कचरा गाड़ी भी आ गई है। बस आगे से जैसे निर्देश मिलेंगे गांव में कचरा गाड़ी चालू कर देंगे। यहाँ पे गौशाला भी आवंटित की गई है, गौशाला को लेकर आप क्या कहेंगे? गौशाला में अभी काम चल रहा है और गौशाला में जाने के लिए रास्ता नहीं है, इसलिए काम में रुकावट आई थी। कितनी यूनिट की गौशाला यहाँ पे बन के तैयार? 100 गायों की। 100 यूनिट की गौशाला यहाँ पे बन के तैयार हो चुकी है। और आने वाले समय में आगे की क्या रूपरेखा है पंचायत की? आने वाले समय में अभी पानी की जो टंकी गांव में जल जीवन मिशन की तरह जो सेक्शन हुई है उसका ठेका टेंडर हो गया है गुजरात वाले का। अब जिसे वर्क कोड आएगा उसके बाद यहाँ पे काम चालू किया जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान को लेकर एक मिनी गाड़ी भी यहाँ पर आपको ग्राम पंचायत को मिली है, ये किस प्रकार की है और इसमें क्या क्या सुविधा है और कब से यहाँ पे इसकी शुरुआत होगी? ये गाड़ी तो मिल चुकी है, 10-15 रोज हो गए, लेकिन आगे से अधिकारी लोग आएंगे, मीटिंग करेंगे और उसके बाद फिर एक या समूह की बैठक होगी, उसके बाद गांव में गाड़ी चालू की जाएगी। धन्यवाद। सरसी से पवन धाकड़ की रिपोर्ट।